हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरी नई वीडियो में। मैं हूं अनीश और आज फिर आपको हम लेके जा रहे हैं विजयदशमी उत्सव यानी दशहरे पर, और आपको दिखाएंगे वहां का सारा फंक्शन। मैं कवर करने की कोशिश करूंगा टोटल, तो आज सारा फंक्शन है। रात के 8 बजे तक फंक्शन होगा, शायद थोड़ा लेट भी हो जाए, पर मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी हो सके आपको दिखाने की। तो बने रहना मेरे साथ, तो मिलते हैं आपको फिर आगे दशहरे में। दशहरे की मेले की रौनक, तो काफ़ी दूर दूर से लोग आ रखे हैं, तो रश तो यहीं से है। अभी तो और बढ़ जाएगा, जैसे जैसे शाम होगी रश बढ़ता जाएगा, और पिछली बार से इस बार थोड़ा ज़्यादा लग रहा है रश, क्योंकि अब यहाँ पर ऐसा है कि ट्रेंड शुरू हो गया है कि रश हर साल बढ़ता ही जाएगा। अभी आपको लेके चलेंगे ग्राउंड के अंदर, जहाँ देखेंगे हम कितने ऊंचे ऊंचे लगे हैं यहाँ इस बार रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले। कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। मैं आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, वरना सुबह थोड़ा जल्दी आके यहाँ पे दर्शन करके जाता हूँ, सजदा करके जाता हूँ, मत्था टेक के जाता हूँ। तो ये बनाई है यहाँ पर सोने की लंका, सोने की लंका बनाई है रावण की। अभी यहाँ बच्चे फोटो खिंचा रहे हैं, और यहाँ है देखिए, यहाँ बने हैं पूरे लंकापति रावण की, सोने की लंका, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले, और लोग यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि अभी 3 बजे तक आप दर्शन कर सकते, उसके बाद अंदर एंट्री बंद हो जाएगी। और ये कुछ आतिशबाजी के लिए लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ VIPs बैठेंगे, और सामने भी VIPs बैठेंगे, चीफ गेस्ट बैठेंगे, और वो पब्लिक बैठेगी, उसके बाद सब लोग खड़े होकर ही देख सकते हैं। तो शाम 5 बजे यहाँ पर पूरा रश होगा, जब ये दहन किए जाएंगे लंकापति रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। मेरा सबसे अनुरोध है, प्लीज
बहुत धन्यवाद।